हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्राई दिस। कैसा हो अगर हम हमारे घर के प्लेन दीवारों में थोड़ा कलर और टेक्सचर ऐड कर दें? तो चलिए बनाते हैं आज एक असेंबल विद स्ट्राइप पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इस किचन की वॉल को पेंट करने वाले हैं और ये है वो वॉल जिसे हम डिजाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वॉल पे कुछ दाग धब्बे भी हैं, तो सबसे पहले हमें इसे क्लीन कर लेना होगा। आज की DIY के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं सैंड पेपर, स्केल और पेंसिल हमारे डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए, मास्किंग टेप, इसे पेपर टेप भी कहा जाता है, रोलर और ब्रशेस। इसके बाद हमें चाहिए वॉल प्राइमर। आप पेंट करने के पहले प्राइमर ज़रूर लगाइए, इससे वॉल पे पेंट की फिनिश बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने दो कलर के पेंट्स लिए हैं, येलो और ग्रे। ये एशियन पेंट्स के रॉयल लग्जरी इमल्शन पेंट्स हैं। प्लास्टिक कोटेड होने के कारण आप इन्हें पानी से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपकी वॉल पे जो भी मार्क्स या दाग पड़े हुए हों उसे सैंड पेपर की मदद से आप पेंट पर क्लीन कर दीजिए। अगर आपकी वॉल अनइवन है तो आप सैंड पेपर की मदद से उसे भी इवन कर दीजिए। अब हम हमारी वॉल पर प्राइमर का एक सिंगल कोट लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एशियन पेंट्स का प्राइमर यूज़ किया है और ये आपको 147 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपकी प्राइमर को आप अच्छे से मिला लीजिए। वॉल के कॉर्नर्स पर आप एक पतले ब्रश की मदद से पेंट कर लीजिए। कॉर्नर्स पे ब्रश से अच्छे से पेंट हो जाने के बाद आप छोटा या बड़ा कोई भी रोलर ले लें और इस रोलर से आप सारी वॉल को पेंट कर लीजिए। सो गाइस, मेरी वॉल को मैंने कम्प्लीटली प्राइमर से कोट कर लिया है। अब आप इसे 3-4 घंटे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम अपने स्ट्राइप्स का साइज निकाल लेते हैं। मेरी वॉल यहाँ पे 180 सेंटीमीटर्स की है और जो पेपर टेप हम बीच में लगाएंगे उसका साइज 2.5 है, तो एक स्ट्रिप मैंने 6.5 की ले ली है जिससे 9 सेंटीमीटर टोटल हो जाता है। ऐसे करके मैं 20 स्ट्राइप्स बना लूँगी जो कि परफेक्टली 180 आ जाएगा। अब हम अपनी वॉल पे मार्क्स लगा लेंगे। मेरी एक स्ट्रिप 6.5 सेंटीमीटर्स की है, तो हमारी स्केल को हम कॉर्नर पे रखेंगे और आप अपनी स्केल को स्ट्रेट रखिए। 6.5 पे हम एक मार्किंग लगाएंगे। ऐसे करके हमें ऊपर से नीचे तक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मार्किंग कर लेना है। हमने जो मार्किंग्स लगानी है उस पर हम टेप चिपकाएंगे। टेप की जो अंदर की साइड है उसे आप इन मार्क्स के सहारे से चिपकाते रहेंगे। इस टेप के पीछे का जो कलर रहेगा वो व्हाइट रहेगा, जो हमारी बाकी के दोनों स्ट्राइप्स को डिवाइड करेगा। अब हमने ये जो स्ट्राइप चिपका ली है यहाँ पर स्केल प्लेस कर फिर से 6.5 पे मार्किंग करिए और हमारी नेक्स्ट स्ट्रिप यहाँ चिपकाते जाइए। इसी तरह से हमें एक एक स्ट्रिप चिपकाते हुए आगे बढ़ना होगा।
मासिक टेप लगाने की प्रोसेस थोड़ी लेंथी है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। हमने हमारी वॉल पे मास्किंग टेप्स लगा ली है। इसके एक सेक्शन में हम येलो पेंट करेंगे और दूसरे में ग्रे, और जब ये बीच की टेप हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर वाइट सेक्शन मिलेगा। मास्किंग टेप की मदद से आप बहुत सारी पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि वी शेप, स्क्वायर शेप। सो गाइस, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाइए और दीजिए अपनी वॉल्स को एक नया लुक। लिड ओपन करने से पहले आप कंटेनर को अच्छे से शेक कर लीजिए, ताकि इसके जो कलर्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे। जो हमारा कॉर्नर वाला सेक्शन है उसे हम पेंट्स ब्रश की मदद से पेंट करेंगे। इसे आप बहुत ही केयरफुली पेंट कीजिए, हमारा इस साइड का पेंट इस सेक्शन में नहीं आना चाहिए। और जो हमारे सेंटर के सेक्शंस हैं उसे हम डायरेक्टली रोलर से पेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। रोलर से पेंट करते टाइम आप ध्यान रखिए कि ये स्ट्रिप पे उस साइड में ना जाए। हमारा फर्स्ट कोट हो चुका है, अब हम इसे 2-3 घंटा ड्राई होने देंगे और फिर हम इसके सेकेंड कोट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड कोट। सो गाइस, हमारा सेकेंड कोट हो चुका है, टेप्स निकालने की जल्दी ना करें और आप इसे अच्छे से ड्राई करें। Interesting and fun part of this project, let's remove the tapes. हमारी एसेंट वॉल रेडी है, ये आपके घर को बहुत ही क्लासी लुक देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डोंट बी लेट एंड ट्राई दिस।